नमस्कार दोस्तों, भूले बिसरे लोगों की श्रेणी में आज मैं आपको भूले बिसरे बेईमान अमीरों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आज हर आदमी देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे परेशान है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में ये बीमारी बहुत पुरानी है। भ्रष्टाचार भारत में प्राचीन से प्राचीन समय से चल रहा है। तब के इतिहास में भी ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के बारे में लिखा गया है, और इनमें से दुर्भाग्य से कुछ हरियाणा के भी थे। अगर हरियाणा के पुराने बेईमान अमीरों के बारे में आपको बताऊं, तो उनमें से एक सबसे बड़ा नाम जो था वो मुकर्रब बखा पानीपति का था। मध्यकाल की एक किताब है दोस्तों, जिसका नाम है मारिस उलमरा। इस किताब में मुकर्रब बखा पानीपति का जिक्र मिलता है। वो मुगल काल था उसमें एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, लेकिन पक्का बेईमान था। वो गुजरात का सूबेदार रह चुका था और अपनी अमीरी का खूब दिखावा करता था। उसका महल राजाओं की तरह ही सारे ऐसे औरम वाला था, और महल में 1000 खूबसूरत महिलाओं को सिर्फ उसने अपना मन बहलाने के लिए नौकरी पर रखा हुआ था। उसकी बेईमानी के बारे में बताया था अंग्रेज दूत विलियम हॉकिंग्स ने। 1609 में अंग्रेज दूत विलियम हॉकिंग्स बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। रिवाज के हिसाब से हर दूत राजा के लिए अपने देश से महंगे तोहफे लाता है, लेकिन हॉकिंग्स के पास राजा को तोहफे देने के रूप में बहुत ही मामूली सी चीज़ें थी, क्योंकि मुकर्रब बखा ने पहले ही सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उससे ऐंठ ली थी। बदले में उसने विलियम को राजा से वो सुविधाएं दिलवाई जिससे भारत में जो अंग्रेजी राज है उसके बीज बो दिए, और वर्षों तक अंग्रेजों ने फिर हमारे यहाँ राज किया। मध्यकाल में एक और अमीर आदमी होता था दोस्तों, जिसका नाम था राय मुकुंद नारनोली। उसका भी नारनोल में एक बहुत बड़ा महल होता था, उसकी शान भी देखते ही बनती थी। उसका भी किताबों में जिक्र मिलता है। आजकल उसके महल के जो अंश बचे हुए हैं लोग उनको बीरबल का छत्ता कहते हैं। उसने नारनोल के आसपास के लोगों को इतना लूटा था कि लोग भूख से मर गए थे, और ऐसे ही अधमरे लोगों से केवल रोटी खर्चे में उसने अपने लिए महल बनवाए थे। ऐसे ही एक आदमी हरियाणा में रहता था जिसका नाम था हाजी सुल्तान। वह बहुत बड़ा बेईमान आदमी था। इकबाल नामा में लिखा हुआ है कि प्रजा ने राजा से शिकायत की, राजा ने जाँच की, प्रजा की बात को सही पाया और हाजी सुल्तान को फांसी पर लटका दिया गया। ये तो खैर अच्छा हुआ। उसी दौर में पलवल परगने में एक गांव होता था हसनपुर। वहां का एक दलाल था जिसका नाम था चौधरी भैया। वह माल महकमे के लोगों से मिल भगत करके आम जनता को खूब लूटा करता था और खुद बहुत मजे की जिंदगी जिया करता था। एक दूसरे गांव का हाकिम भी ऐसा करता था। उन दोनों को भी राजा ने सजा दी थी। अंग्रेजों के राज में भी खूब भ्रष्टाचार था। दिल्ली का रेजिडेंट विलियम फ्रेजर भी बताते हैं कि एक नंबर का रिश्वतखोर होता था। भारत के अमीर घरानों से उसने खूब रिश्वत ली और उनके अनुसार फैसले किए। 1835 में फिरोजपुर झिरका के नवाब ने उसकी हत्या कर दी। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पुराना जमाना हो या नया जमाना हो, पैसे के लिए लोग हमेशा अपना ईमान खोते रहे हैं। रिश्वतखोर आदमी समाज की हमेशा सच्चाई रहा है, शायद भ्रष्टाचार कभी ख़त्म ना भी हो। तो भूले बिसरे लोगों की श्रेणी में आगे हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, इसी तरीके की रोमांचक जानकारियों के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।